तो यहाँ देखिए आज मैंने बनाया है DIY आई क्रीम जो आपकी आंखों से डार्क सर्कल को रिमूव करेगा और इससे आपकी आंखों के पास जो प्लफनेस की प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगा। ये 100% नेचुरल क्रीम है और इसे मैंने बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है जो आपके आंखों से बहुत सारे प्रॉब्लम को मिनटों में दूर करेगा। और ये क्रीम बनाना भी बहुत आसान है और आप इस तरह क्रीम को बना के और स्टोर करके लंबे टाइम तक रख भी सकती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने ये क्रीम कैसे बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह आपके लिए कितनी यूजफुल रही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आँख के लिए जो मैं डार्क सर्कल के लिए क्रीम बनाने वाली हूँ उसके लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करें, मार्केट से जो एलोवेरा जेल मिलता है वही यूज़ करें क्योंकि ये क्रीम जो है थोड़ा सा लॉन्ग चलता है और एलोवेरा जो फ्रेश जूस होता है वो इतना लॉन्ग नहीं चल पाता क्योंकि वो फ्रेश जूस नहीं होता है, प्योरीफाई नहीं किया होता है। तो इसलिए आप इसका ही यूज़ करें। तो 2 चम्मच के लगभग हम एलोवेरा जेल लेंगे। ये यहाँ पे मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, आप अपने हिसाब से किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 टीस्पून ले लिया है एलोवेरा जेल। इसमें हम डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल क्योंकि डार्क सर्कल होते हैं तो डार्क सर्कल के बहुत सारे रीजन भी होते हैं और हर कोई जब डार्क सर्कल हो जाते हैं तो उनकी फेस जो है बहुत डल लगती है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम अपने डार्क सर्कल को इजी तरीके से कैसे दूर करें। और बहुत ही अच्छा होगा कि जो मार्केट का क्रीम आप यूज़ करती हैं उसके जगह पे आप ये घर का बना हुआ क्रीम यूज़ करें तो आपको फर्क नजर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तो मैंने विटामिन ई के कैप्सूल ले लिए हैं इसके। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की मात्रा भी इसमें 1 टीस्पून के लगभग रहेगी। देखिए 1 टीस्पून यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल लेंगे और 3 से 4 ड्रॉप हम लेंगे रोज वाटर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस ये 4 इंग्रेडिएंट्स ही आपके जो ये प्रॉब्लम है उनको इजी तरीके से दूर कर देगा और उनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये एक जेल शेप में आ जाए और एक क्रीम शेप में आ जाए। फिर इसको आप किसी भी कंटेनर में डाल के और आप रख सकती हैं। तो ये देखिए हमारा क्रीम जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम शेप में आ गया है। और इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के और लंबे टाइम के लिए रख सकती हैं और डेली नाइट के टाइम में आपको इससे मसाज करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है। तो ये आपका डार्क सर्कल आई क्रीम बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैंने आई का क्रीम जो है वो रेडी करके और इस तरह के कंटेनर में डाल लिया है और इसे आप फ्रिज में रख के आप 10 दिन 15 दिन इसे आप आराम से अपने आई पे अप्लाई कर सकती हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा बिल्कुल अपने इस तरह क्रीम को हैंड पे लेना है इस तरह और इसको दोनों हाथों पे हमें रब करना है और इसको अपने आँखों के पास हम अप्लाई करेंगे और इस तरह हल्के हाथों से डेली नाइट में सोते वक्त आपको कम से कम 5 मिनट अपने आंखों के पास मसाज करने हैं। आप अप एरिया में भी कर सकती हैं, डाउन एरिया में भी यहाँ पे कर सकती हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको करना है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस को आप अगर चाहें तो सुबह शाम भी कर सकती हैं बट नाइट के टाइम इसको करना बिल्कुल नहीं भूले। तो इससे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो डार्क सर्कल हैं वो हल्के हो गए और धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गए क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है और ये क्रीम जो है 100% नेचुरल है और इससे आपकी आंखों की जो ये प्रॉब्लम है वो दूर होगी, साथ ही आपकी आंखों के पास जो प्लफिनेस है वो भी दूर हो जाएगी और इस तरह आप हल्के हाथों से मसाज करती रहें बिल्कुल। इससे क्या होगा कि हल्का सा आपके आई के पास मसाज भी हो जाएगा तो आंखों के पास जो प्लफिनेस रहता है, रिंकल रहता है, जिनकी स्किन सेंसिटिव रहती है तो वहां पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आई वाले एरिया पे रिंकल हो जाते हैं तो ये भी इससे दूर हो जाएंगे।
और आंखों की डार्कनेस भी दूर हो जाएगी और आपकी आई बहुत सुंदर दिखने लगेगी। कुछ ही दिनों में डार्क जो है सर्कल आपकी आंखों से गायब हो जाएंगे इस तरह। तो चलिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कितनी यूजफुल रही आपके लिए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को अभी तक चैनल को सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और जो लोग कर लिए हैं उनको बहुत सारा प्यार। तो चलिए, इसी तरह नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।